कहते हैं एक चीज़ अच्छी है कि जब भी लड़के आते हैं तो उन पर पानी फेंक देते हैं ताकि उनका मेकअप निकलता है शुरू भी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ, पहले तो आज मंगलवार है, हनुमान मंदिर जा रहा हूँ कनॉट प्लेस वाले, और दूसरी चीज जो है टेडी बियर कैफे जा रहा हूँ, जो कि भाई टेडी बियर वो होते हैं जो भाई आपकी बंदियों के साथ सोते हैं। तो तुम्हारा बदला तुम्हारा भाई लेने जा रहा है अकेले, वो भी कोई साथ नहीं है। तो भाई मेरे को पता है कि खाना बेकार देते हैं, एम्बियंस का है, बहुत सारे कैफेज हैं जो कि सिर्फ एम्बियंस के लिए बने हैं। चूतिया जो भाई रीलर्स हैं इतना फेमस कर देते हैं, दो चार रुपये के लिए पनीर खाने के लिए, क्या बोलूं भाई, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और कोई प्रमोशन आए मेरे को तो भाई कमेंट करके बता देना, ऐसा कोई जो कि क्या कहते हैं खाना बेकार हो बट एम्बियंस अच्छा हो तो मेरे को भाई प्लीज़ बता देना, मैं भी थोड़े पैसे कमा लूँ इनकी तरह। भाई नोएडा के ना मतलब 137 वाले एरिया से लेके बोटैनिकल गार्डन तक पूरे कैमरे छान रखे हैं, कहाँ पे रहते हैं और कहाँ पे पुलिस रहती है सब अड्डे पता है सारे के सारे। तो भाई इन हम जो है हमने रिसर्च नहीं सब्जेक्ट नहीं लिया बट इन चीज़ों में रिसर्च हमारा मतलब सबसे पहले रहता है। भाई मैंने ज़रा सा भी 10 डिग्री एंगल ले लिया ना बाइक का, अभी मैं 180 डिग्री रहता है, लेफ्ट साइड कौन सा रहता है तो चलान कट जाएगा बहुत तगड़ा। यहाँ पे ना कनॉट प्लेस में दो मंदिर हैं, एक तो प्राचीन हनुमान मंदिर है और एक और है शिव जी का मंदिर है, वो दिखाता हूँ पहले तो मैं। हाँ ये है प्राचीन शिव मंदिर, तो इसमें और ये रहा प्राचीन हनुमान मंदिर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइज अभी हम जो है वो कैलाश कॉलोनी आ गए हैं और कैलाश कॉलोनी में काफ़ी सारी कैफ़ेज़ हैं, एक से लेके भड़के 100-100 कैफ़ेज़ ऐसे होते हैं ना भाई, स्टोरी जो नरेट करते हैं मैंने ऐसे लोगों के भी देखे, ऐसे लोगों के बढ़िया वीडियो चलते हैं पूरी। मेट्रो से निकलते ही हमें दाएं मुड़ना पड़ेगा, फिर बाएं मुड़ना पड़ेगा और दाएं बाएं मुड़ के हमें फिर लोगों से राय पूछनी पड़ेगी उनकी। गाइज आप लोग इतने नॉटी हो ना, गाइज आप लोग इतने नॉटी हो ना, आप कह रहे थे बदसूरत लड़के दिखाओ बदसूरत लड़के दिखाओ, तो अभी मैं भाई आपको सबसे वर्ल्ड की बदसूरत लड़के दिखाने जा रहा हूँ, कमेंट करके बता देना आप लोग। गाइज टेस्ला। भाई मेरी किस्मत इतनी ख़राब है ना, मतलब कि मुझे उतरना था ग्रेटर कैलाश, मैं उतरूँ कैलाश कॉलोनी, अब इसमें कन्फ्यूजन हो गई मेरे को, अब मैं जा रहा हूँ 3 किलोमीटर लंबा पैसे खर्च करके, मेरी ज़िंदगी में क्या बना हो भाई, मेरे को ऐसा लगता नहीं है, मतलब होते ही रहता है। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ और जिस जिसकी बंदी भाई उनके बंदे के साथ नहीं सोती थी टेडी के साथ सोती थी, तो आज भाई तुम्हारे दिन बनने वाले हैं अगले दिन से। बस ये वीडियो जिस दिन अपलोड हो जाएगी ना और कमेंट सेक्शन में कमेंट भर जाएंगे तो भाई तुम्हारी बंदी तुम्हारे पास साथ सोएगी साथ। तो अभी जा रहे हैं, ये देखो भाई बहुत ही बेकार कैफे है सही में, अभी 2 मिनट हुआ मेरे को आए हुए और इन्होंने चिंकी रख रखी है जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो, बट हम सख्त लौटने हैं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सैंडविच मंगा लो, सस्ता रहेगा और अच्छा रहेगा सबसे। तो भाई दुनिया की सॉरी सबसे खूबसूरत लड़कियों से मिलवाने जा रहा हूँ आप लोगों को, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों से मिलवाने जा रहा हूँ। इससे पहले बताया मैंने क्या कहा था, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों से मिलाऊंगा, मजाक। सावन के महीने में चिकन दुष्ट छी बैठ, क्या हो गया, पैसे दे रहे हैं क्या दिक्कत है, एक ही मंगा रहे हो, अभी तो ट्राई तो कर ले, ट्राई क्या बेकार है इसका खाना भाई, इनके मुंह पे बोलूंगा, इनके मुंह पे बोलता हूँ मैं तो। अच्छा तो गई इस कैफे में एक चीज अच्छी है कि जब भी लड़के आते हैं तो उनपे पानी फेंक देते हैं ताकि उनका मेकअप निकल जाए शुरू में, तो अच्छी चीज रखी है इन्होंने। और बाकी ऊपर अगर आप जाना चाहोगे इन्होंने नीचे का पोर्शन जो है चूते बनाने के लिए रखा है, और अगर आप ऊपर जाना चाहोगे तो हुक्के के चार्जेस देने पड़ेंगे, मतलब वैसे फ़ोटो खिंचाने जा सकते हो बट इन्होंने एक दिमाग लाया अपना और इनका खाना अच्छा नहीं है जैसे मैंने रील्स पे देखा लोगों की। तुम्हारे बर्थडे पे कहाँ चलना है घूमने, अरे चलें घूमने बर्थडे पे तुम्हारे, तुम बताओ कसूल चलें, कसूल चलें, ये लो डायलॉग नहीं मारा यार भाई, हमने सैंडविच बोला था, ये तो ब्रेड वाली सैंडविच नहीं है भाई, कसम से चूतिया बनाता है हर कोई मेरे को जिंदगी में, अब बोले। तो
तो भाई हमने सैंडविच ऑर्डर किया था बट क्रोजो में डाल के इन्होंने हमारा बहुत तगड़ा छूतिया बना दिया भाई। कहाँ ये लोग, क्या ड्रामा है? अरे मैं कह रहा हूँ पहले क्या, अभी तो जाना है। मैं कह रहा था पहले थोड़ा खा लेते फिर बोलते हैं क्या है ड्रामा, ये सैंडविच है, और फिर अगर ये वापस करे तो थोड़ा खा भी लेते, थोड़ा खाना हो जाता अपना फ्री में। ये 300 रुपये का है भाई, तभी एक ही मंगा लो, अब नहीं मंगाऊंगा मैं भाई, पापा के पॉकेट एक्सपेंसेस खर्च करवा रहा हूँ मैं। भाई बेकार उल्टी आ रही है सही में। कितने का है, 370 का? 315 में से 3 हटा दो, 15 रुपये क्या होना चाहिए असल में। इसके चक्कर में टेडी के चक्कर में गंदा खाना खा लिया कसम से, शर्म आ रही है मेरे को आज। भाई इस टेडी बियर का भी वेट इससे कम है पर इसे शर्म नहीं है, जिम कर ले। यही था जो कल रात बंदी के साथ सो रहा था तुम्हारी और मेरी। आजकल के नल्ले छपरे बेरोजगार फोटो खिंचाने आता कैफे इसमें और खाना बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। साले हरामी तेरे चक्कर में हो गया ना बत्ते, खाना खा लिया भाई ऊपर का एमिन। भाई ये देखो चूतिया, कैमरा इस तरफ है मुंह इस तरफ कर रहा है। अबे गाइस जैसे हम टेडी बियर सोच रहे थे उसके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है शर्ट, और ये मजे ले रहा था तब से, गंदा इंसान। भाई बहुत ही गंदा, मतलब आज का दिन खराब तो नहीं गया बट ठीक है, पता चल गया लोगों कि भाई कैसे लोग पैसे हड़पते हैं। इसके पैसे हैं बस, इसके नहीं इसके टेडी के। और भाई तो अब मैं आपको असली वाला रिव्यू देता हूँ। पहली चीज़ सैंडविच मंगाया था, आई डोंट नो क्रोजो में कौन देता है सैंडविच, मेरे को पता नहीं। ये अपना ट्रेंड लाए हैं कोई बढ़िया सा, बट ट्रेंड तो लाए हैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्रोजो तो देते देते इन्होंने, पर साथ में टेस्ट तो देते सैंडविच में। भाई ये सही में ओवर हाइप्ड है और ना टेस्ट था इसमें। 5 में से 2 नंबर देना चाहूँगा इस सैंडविच को। एम्बियंस इज़ गुड नो डाउट, और इसको मैं 4 देना चाहूँगा 5 में से। मोस्टली पीपल यहाँ भाई पिक्स एंड वीडियोज़ खींचने जाते हैं इस कैफ़े में, क्या भाई मोस्ट ऑफ द कैफेज़ मान लो डेली के जो लोग हैं भाई चूतिया हैं, ऐसे प्राइस को हाइप मार देते हैं ना, इंसान ही जा रहे हैं उनके पास खुद ही, तो लूटना तो चाहेगा बंदा, तो कैफे वाले यही करते हैं लूटना। और सेकेंडली यार हमने भी वही करा, हम भी पिक ही खिंचाने गए थे बिकॉज एम्बियंस देख के गए थे, और यहाँ का खाना जो है ओवर प्राइज्ड है। तो अगर आप सिर्फ फोटोज और पिक्स खिंचवाने जा रहे हो ठीक है, तो एक ही आइटम मंगाया करो, एक आइटम मंगाया हो गया, पिक्स और फोटोज खिंचाओ निकल लो फटाफट से, ये सबसे बेस्ट आइडिया है। मैं और भी कैफेज में गया हूँ, वहाँ पे ये मेरे साथ ये होता है कि एक आइटम अच्छा लगता है तो 2-3 और मंगा लेता हूँ, बट यहाँ पे मेरा ये हुआ कि एक आइटम मंगाया तो मेरा मन कर गया कि दूसरा तीसरा मैं कैंसिल कर दूँ पहले ही, सोचने से पहले मैंने सोच ही ख़त्म कर दी। एक और मेन चीज़ आती है यहाँ पे कि इंस्टाग्राम पे जो आप रील्स देखते हो तो उन्हें देख के बिल्कुल मत जाया करो, क्योंकि वो साले दाल रोटी खाते हैं, मुझे पता है उनका भाई पैसे मिलते हैं उन्हें, और उन्हें या फिर उन्हें बुला लिया जाता है कि हमारे कैफ़े में आओ वीडियो बनाओ और फ्री में खाना खाओ। तो ये 2 चीज़ें रहती है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के लिए, मेरे को बहुत ही कम लोग हैं जो रियलिटी बताते हैं। कमेंट सेक्शन भी पढ़ के जाया करो कि रिव्यूज़ देखा करो कि लोगों ने क्या कमेंट कर रखा है, मैंने भी इसका कमेंट देखे थे तो जो लोगों ने कमेंट करे थे ना वो बात जो है बिल्कुल सच निकली है भाई सही में। और अगर आप माँ बाप के पैसे से जा रहे हो, अगर उनके पॉकेट एक्सपेंसेस लेते हो अपने माँ बाप से, तो फिर भाई 20 बार चेक करा करो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के पैसे लग रहे हैं इसमें, तुम्हारे नहीं लग रहे। तुम्हारे माँ बाप के जो पसीने और खून की मेहनत है ना, वो इन कैफ़े में जाके जब तुम जाते हो और जब तुम्हें लगता है कि यार साला क्या खा लिया, तो भाई वहाँ पे तुम्हें दिक्कत नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप को दिक्कत होती है कि मेरे बेटे बेटी को घर की रोटी दाल खिलाता उसे काफ़ी अच्छा लगता। तो आज की दुनिया यही है पिक्स एंड वीडियोज़ के लिए भाई पागल है, एंड दैट्स व्हाट कैफ़े आज के अट्रैक्शन बन जाते हैं, और प्राइस भी हाई एंड क्वालिटी डाउन रखते हैं। तो जब आप बाहर से एंट्री लोगे तो बाहर आपको एक तो टेडी खेलने वाला गेम मिल जाएगा, बाहर भी बैठ सकते हो आप, और रात के वक्त जो है काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेन मुद्दा ये है कि अगर एम्बियंस के लिए जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप खाना सोच के जा रहे हो कि खाना भी आपको बढ़िया मिलेगा, बट अबे यार अब बीकानेर वाले आ गए, बीकानेर वाले उन्हें भी अपना नहीं समझा। अबे हल्दीराम के बढ़िया होते यार इनसे, बट हल्दीराम था नहीं पास में, बट पेट तो भर नहीं है।
बाकी वीडियोस आती रहेंगी, हर एक दो या दो दिन में डालता रहता हूँ। तुम्हारा भाई जो है डालता रहेगा, क्योंकि भाई मेरे नस चढ़ गए वीडियो डालने की। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अगर इस कैफे में जा रखे हो। और दूसरी चीज़, अगर आपने पैसा बर्बाद करा है इस कैफे में जाके तो भी कमेंट कर देना। और अगर आपने रील डाल रखी है इसकी कैफे की इंस्टा पे तो भी कमेंट कर देना। और अगर आप शादीशुदा हो तो भी कमेंट कर देना। और अगर आपके बच्चे होने वाले तो भी कमेंट कर देना। और अगर आपकी बंदी है तो भी कमेंट कर देना। अगर आप सिंगल हो तो भी कमेंट कर देना। बस कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, आग लगा देना।